अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर। अब्बास अंसारी को लाया जा रहा है गाजीपुर कासगंज जेल से, सुरक्षा के बीच लाया जा रहा है अब्बास अंसारी को। गाजीपुर अब्बास को मिली है 3 दिनों की कस्टडी पेरोल। मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत मिल गई है, याचिका दाखिल की गई थी इसको लेकर। और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज सड़क के रास्ते गाजीपुर आ रहा है अब्बास अंसारी पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए। 3 दिन की पेरोल मिली है और इसी पेरोल के मद्देनजर सुरक्षा के बीच में गाजीपुर लेकर आया जा रहा है अब्बास अंसारी को। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत दी है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि अब्बास को 13 अप्रैल तक वापस जेल लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को 11 और 12 अप्रैल को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी है। फातिहा पढ़ने के बाद अब्बास अंसारी को गाजीपुर जेल में ही रखा जाएगा और फिर 13 अप्रैल को उसे वापस कासगंज जेल ले जाया जाएगा। तो ये कारवा जो है ये गाजीपुर पहुंच रहा है, कासगंज जेल वापस पहुंचना है 3 दिन के बाद, जहां पर आज से गाजीपुर के लिए रवाना हुआ है अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ेगा। मनीष हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद हैं गाजीपुर से। सीधे रुख करते हैं मनीष की तरफ। मनीष, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, कल तक इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पेरोल मिलेगी, क्या फातिहा पढ़ने की इजाजत मिलेगी मुख्तार के बेटे अब्बास को या फिर नहीं। लेकिन मानवता को मानते हुए और मानवता की एक मिसाल पेश करते हुए ही ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपसे इस समय की अपडेट्स लेना चाहेंगे कि कहां तक पहुंचा है कारवा, क्योंकि कासगंज जेल से गाजीपुर आज लेकर आया जा रहा है अब्बास अंसारी को। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 3 दिनों की कस्टडी पैरोल दी है और ये कस्टडी पैरोल मुख्तार अंसारी के फातिहा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दी है। पिछली रात तकरीबन 8 बजे के आसपास कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी को वहां से गाजीपुर जेल के लिए रवाना किया गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से गाजीपुर के लिए रवाना किया गया है। प्रशासनिक सूत्र बता रहे हैं कि इस समय अब्बास अंसारी एक्सप्रेसवे पर है और उसका वो जो प्रिजन वैन में है और साथ में सुरक्षा की व्यवस्था है वो गाजीपुर की ओर आ रही है। गाजीपुर जेल में अब्बास अंसारी आएगा, जहां पर उसके यहां पर गाजीपुर जेल में उसकी एंट्री की जाएगी, तमाम कागजी कार्रवाइयां की जाएंगी, जिसके बाद यहां से मोहम्मदाबाद जो कि मुख्तार अंसारी का पैतृक घर है, पैतृक घर के पास ही वहां पर कालीबाग नाम का एक कब्रिस्तान है जहां पर मुख्तार अंसारी की कब्र है। और इन सारे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए गाजीपुर जेल से अब्बास अंसारी को पुलिस सुरक्षा के बीच में मोहम्मदाबाद ले जाया जाएगा, उसके घर पर ले जाया जाएगा। वहां पर कुछ कार्यक्रम होते हैं, तिलावत के कार्यक्रम होते हैं, उन समय ये शामिल होगा, जिसके बाद शाम के समय तकरीबन 6 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी के फातिहा कार्यक्रम में कब्रिस्तान में अब्बास अंसारी जाएगा, जहां पर वो अपने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ेगा। जी कंचन, ठीक है। तो यानी कि अभी समय लगेगा मनीष, अभी थोड़ा और समय लगेगा गाजीपुर पहुंचने के लिए। ठीक है, आपसे ये जानना चाहेंगे इस समय परिवार में कौन कौन मौजूद हैं, क्या तैयारियां परिवार में की जा रही है, क्योंकि ये पेरोल मिली है। यहां गाजीपुर जेल में रहेगा कासगंज से आते हुए और 3 दिन के बाद वापस भी लौटना है कासगंज। कंचन बता दें कि मुख्तार अंसारी के फातिहा कार्यक्रम को लेकर परिवार में कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जैसा कि सुबह से ही वहां पर कार्यक्रम होता है, कुरान खानी होती है, कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, साथ ही तिलावत का कार्यक्रम होता है। ये पूरे दिन चलता रहता है, ये सूर्योदय के साथ ही शुरू हो जाता है और सूर्यास्त तक चलता है। सूर्यास्त के बाद, चूंकि रमजान का महीना चल रहा है तो लोग रोजा इफ्तार करेंगे, उसके बाद एक नमाज अदा की जाएगी, जिसके बाद कब्रिस्तान कालीबाग कब्रिस्तान लोग पहुंचेंगे। और मुख्तार अंसारी के परिवार में उनके बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी हैं, मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी हैं, मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी है, मुख्तार के भतीजे हैं, ये सारे लोग हैं। इन सब कार्यक्रमों में सारे लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार सारे लोग शामिल हैं और शामिल होते भी रहे हैं। और इसके बाद जब कब्रिस्तान जाएंगे तो वहां पर भी परिवार के सारे पुरुष सदस्य होंगे, जिसमें मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी होंगे, सिबगतुल्लाह अंसारी भी होंगे, उनके भतीजे शोएब अंसारी होंगे, साथ ही उनका छोटा बेटा उमर अंसारी होगा, और जो कासगंज जेल से उनका बड़ा बेटा अब्बास अंसारी लाया जा रहा है वो गाजीपुर जेल से वहां पर पहुंचेगा। ये सारे लोग उस कार्यक्रम में शामिल, मतलब जनाजे में तो शामिल नहीं हो पाया है अब्बास अंसारी, लेकिन कोर्ट से अब अनुमति मिलने के बाद 3 दिन की पेरोल मिली है अब्बास को और पिता की कब्र पर फातिहा पड़ेगा अब्बास अंसारी।